हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो। वीडियो के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 18 और 19 को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे जाके उन सेक्शन को भी आपने पहले कवर कर लेना, उसके बाद आपके सेक्शन 20 से 24 को आप देख लेना। एक और वीडियो लगेगी जिसके अंदर सेक्शन 25 और 26 में आपको बड़े ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप सेक्शन 25 और 6 की वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20 के साथ। जो सेक्शन आपका 20 है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपकी सीधी सी सिंपल सी बात करता है कि एक चीज़ बतानी है आपने, इफेक्ट ऑफ द एक्नोलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। आपका जो सेक्शन नंबर आपके पीछे के थे ना, जो यहाँ पे जैसे 19 था कि जहाँ पे डेटर पर्सन है उसने कोई, या फिर जो पर्सन लीगेसी करके बैठा था तो उस पर्सन के ऊपर जब लाइबिलिटी थी कि वहाँ पे वो उसको पेमेंट करना है, तो जिस दिन उसने पेमेंट करनी है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। 18 था, उसके अंदर कर रहा है कि वो पर्सन जिसकी लाइबिलिटी बनती है वो पर्सन खुद के खिलाफ ही स्टेटमेंट राइटिंग में दे रहा है, उसके दिन से ही आपका नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगा। तो खुद के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट देगा वो एक्नॉलेजमेंट का इफेक्ट था सेक्शन 18 के अंदर। तो जो सेक्शन 20 है वो सिंपल सी बात करता है कि एजेंट ड्यूली अथोराइज इन दिस बिहाफ। मतलब मेन बात इसी के ऊपर घूमता है पूरा का पूरा, कि जो सेक्शन नंबर आपके 18 और 19 के अंदर वर्ड यूज़ करे गए थे, जो एक्सप्रेशन यूज़ करी गई थी एजेंट ड्यूली अथोराइज इन दिस बिहाफ, उसका मतलब यहाँ पे बता रखा है। जनरली उसका मतलब है जो क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेगा, मतलब चीज़ यहाँ पे मतलब कि आपके किन किन पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड करके बैठा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्नोलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन बोलता है द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली अथोराइज इन दिस बिहाफ इन सेक्शन 18 एंड 19। जो सेक्शन आपके 18 और 19 थे उन सेक्शन के अंदर आपके जो वर्ड यूज़ कर रखे यहाँ पे एक्सप्रेशन आपकी द एजेंट ड्यूली अथोराइज इन दिस बिहाफ, उसका मतलब कि इन द केसेस ऑफ ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, अगर बात करी जाए कि वहाँ पे जो पर्सन आपके हैं जनरली क्या चीज़ है कि जो पर्सन यहाँ पे उनके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो जहाँ पे कोई भी पर्सन आपका अंडर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग आपके सेक्शन नंबर 6 और 7 के अंदर डिस्कस करी गई चीज़ें इसी एक्ट का, तो उसके अंदर बता रहा है कि एक पर्सन अगर एक डिसेबिलिटी में है तो उनका टाइम पीरियड तब स्टार्ट होगा जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। एक से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो तब तक सारी की सारी डिसेबिलिटी उसकी खत्म नहीं होती, तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है जो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके चीज़ के रिगार्डिंग बता रखा है। तो बोलता है जहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि अंडर डिसेबिलिटी है, तो उन केसेस के अंदर आपकी क्या चीज़ बोल रहा है कि किन किन केसेस के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करेगा। अब बोलता है कि जिस सिचुएशन के अंदर वो आपका अंडर डिसेबिलिटी होगा तो इंक्लूड हिज लॉफुल गार्जियन, एक तो लॉफुल गार्जियन को वहाँ पे इंक्लूड करके बैठा है। उसके बाद आपका बात करता है कि कोई भी कमेटी होगी या फिर मैनेजर होगा या फिर एनी एजेंट ड्यूली अथोराइज बाय सच गार्जियन, मतलब या तो लॉफुल गार्जियन की बात हो रही है कि या तो लॉफुल गार्जियन खुद हैं या फिर उसके लॉफुल गार्जियन के कोई भी अथोराइज कोई किया गया अदर पर्सन है, मतलब खुद लॉफुल गार्जियन और उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी आपका एक एजेंट। फिर बोलता है कि कमेटी ने कोई अदर पर्सन को अपॉइंट कर रखा हो एज एन एजेंट, तो वो, या फिर आपका मैनेजर, या फिर मैनेजर ने जो अपॉइंट कर रखा है अदर आपका कोई भी एजेंट वो पर्सन, या फिर कोई भी एजेंट जिसने सब एजेंट को वहाँ पे बुला रखा हो, इस तरीके की बात हो रही है। तो ड्यूली अथोराइज बाय सच गार्जियन और आपका कोई कमेटी और मैनेजर टू साइन द एक्नोलेजमेंट और मेक द पेमेंट। अब यहाँ पे आपकी सिंपल सा फंडा ये चीज़ बता रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि सिंपली कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अंडर डिसेबिलिटी है, तो उस केस के अंदर उसके या फिर कोई लॉफुल गार्जियन होगा या फिर कोई कमेटी आएगी या फिर कोई मैनेजर आएगा या फिर कोई भी एजेंट आएगा जिसको अपॉइंट कर रखा है उस गार्जियन ने, कमेटी ने या फिर मैनेजर ने, किस चीज़ के लिए कि उसकी एक्नोलेजमेंट को साइन कर सके और उनके बिहाफ पे आपकी पेमेंट कर सके। तो मतलब ऐसा कोई भी पर्सन आपका ऊपर वाले में जो 18-19 में है उनके अंदर इन पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड है जो करके बैठा है। लेकिन एक इसकी भी एक्सेप्शन की तरह अगर सोचें तो इसके अंदर क्या बोलता है कि ये आपका लॉफुल गार्जियन है वो आपका नॉट लिमिटेड टू द गार्जियन हु वॉज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, मतलब ये वर्ड आपके उस तक लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ जो आपके कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे वो लॉफुल गार्जियन है, बट एवरी पर्सन हु इज entitled टू एक्ट एज ए गार्जियन अंडर द पर्सनल लॉ ऑफ द माइनर। अब बात हो रही कि अब बात करते हैं जैसे ही पर्सन मतलब डिसेबिलिटी की बात करता है तो डिसेबिलिटी के अंदर तो हो सकता है कि वो माइनर है, तो माइनर के बिहाफ पे उसी के
कोई भी पर्सनल लॉ है जिससे वो माइनर डील करा जाता है, तो उसके अंदर कोई अदर पर्सन जो कि आपका इंटाइटल है उसके बिहाफ पे कोई एक्ट करने के लिए, तो वो भी पर्सन होगा। मतलब कोर्ट अपॉइंटेड तो होंगे ही होंगे, उसके प्लस में जो कि आपका पर्सनल लॉ में फॉल करता होगा उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है जो कर रखा है। लेकिन जो डीफैक्टो गार्जियन होते हैं ना आपके, उनको फिर भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट द डिफेक्टो गार्जियन इज नॉट द लॉफुल गार्जियन एंड हैव नो अथॉरिटी टू पे एंड साइन, उनको फिर भी आपने क्या है इंक्लूड है जो नहीं करना है। सेकंड क्लॉज है वो आपका सिंपल सी बात कर रहा है, सेकंड बोलता है आपका नथिंग इन द सेड सेक्शंस, मतलब आपके जो सेक्शन नंबर आपका 19 और 20 की बात कर रहा है उनके अंदर, उन सेक्शन के अंदर की बात है जो कर रखी है। नथिंग इन द सेड सेक्शन रेंडर वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स, अब यहाँ पे सिंपल बात कर रहा है कि जहाँ पे ज्वाइंट या फिर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर हैं उन केसेस की बात हो रही है, जहाँ पे पार्टनर्स हैं एक से ज़्यादा आपके, जहाँ पे एग्जीक्यूटर एक से ज़्यादा या फिर मोर्टगेजी बहुत सारे हैं, कोई भी मोर्टगेजी पर्सन हैं एक से ज़्यादा हैं, चार्जेबल बाय द रीज़न ओनली ऑफ द रिटन एक्नोलेजमेंट साइन बाय और ऑफ ए पेमेंट मेड बाय और बाय द एजेंट ऑफ एनी अदर और अदर्स ऑफ देम, इनके अंदर जहाँ पे आपका मतलब कोई ज्वाइंट है या फिर एक से ज़्यादा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, एजेंसी है, दो पार्टनर हैं, एग्जीक्यूटर हैं, मोर्गेजी हैं, उनमें से किसी एक पर्सन ने एक्नॉलेजमेंट कर दिए ना तो सारे पर्सन है जो लाइबल नहीं होंगे, ये इसके अंदर बात कर रखी है। बोलता है कि इसके अंदर आपकी यही चीज़ लास्ट में लिखी हुई है कि इस ऊपर वाले सब सेक्शन आपके जो सेक्शन है जहाँ पे 18 और 19 लिखा उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक से ज़्यादा पर्सन ने जहाँ पे इंक्लूड कर दिया अगर एक्नॉलेजमेंट वगैरह कुछ भी कर दी है, जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर एग्जीक्यूटर और मोर्गेजी थे, उनमें से किसी एक पर्सन ने यहाँ पे रिटन में एक्नॉलेजमेंट दे दी है, उसको साइन कर दिया है या फिर उसने पेमेंट कर दिया है, तो बाय एजेंट और ऑफ एनी अदर पर्सन आपका कोई भी अदर हो सकता है, तो उसकी वजह से उनको चार्जेबल नहीं किया जाएगा, ये मतलब यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये निकला कि इम्प्लाइडली कि एक से ज़्यादा जब पर्सन है उनमें से किसी एक पर्सन ने साइन करके दे दिए तो बाकी सबको बाउंड नहीं करेगा वो, बाकी सारे पर्सन है जो वो लाइबल नहीं होंगे। मतलब मान के चलना कि कोई मेरा पार्टनर या फिर एग्जीक्यूटर है जिसको कुछ मैं करने के लिए मतलब कि अथोराइज नहीं करगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे एजेंट या फिर अदर जो भी पार्टनर है उनको मैं कुछ काम करने के लिए स्पेशली अथोराइज नहीं कर रहा हूँ, तो उसके इसके अंदर उस पर्सन ने अगर एक्नॉलेजमेंट दे दी है तो वो वैलिड तो नहीं मानी जाएगी ना, मैं लाइबल तो नहीं हो जाऊंगा उसके इसके अंदर, तो यही आपका सेकंड क्लोज है जो बात कर रहे हैं। अब जो आपके थर्ड क्लोज है उसके अंदर आपका बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेड सेक्शंस, ऊपर वाले 18 और 19 के पर्पज से, इसके अंदर आपका एक रिवर्सनर की बात कर रहा है, एक तो रिवर्सनर कौन पर्सन होगा उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है यहाँ पे, और दूसरे के अंदर आपकी एक चीज़ नॉर्मल सी बात कर रहा है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है जो बात कर रहा है। पढ़ने के लिए आपका एक ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्या बोलता है कि जब प्रॉपर्टी आपकी रिवर्ट बैक है ना किसी पर्सन को, जब मतलब मान के चल रहे हैं कि कोई भी एक ए पर्सन है, वो पर्सन बी को कोई भी प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट में दे देता है, LI का मतलब यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है, लाइफ इंटरेस्ट के अंदर उसने कोई भी प्रॉपर्टी दे दी कि पूरी ज़िंदगी जब तक तू जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले और उसके बाद प्रॉपर्टी मेरे को वापस कर दियो, तो ये सिचुएशन जहाँ पे इस प्रॉपर्टी को वापस दी जाती है ना तो वो पर्सन वहाँ पे रिवर्सनर कहलाता है, तो ये इसका फंडा है सिंपल सा। तो क्या कर रहा है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू ए पर्सन होगी तो वो कॉल्ड एज द रिवर्सनर, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये आपकी पहले वाली कि ए पर्सन ने कोई भी प्रॉपर्टी बी को लाइफ टाइम के लिए दे दी है, लाइफ इंटरेस्ट में दे दी कि आप लाइफ टाइम के लिए मतलब कि इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करोगे, आप उसके ऊपर ना कुछ राइट डाल देते हैं कि एक उसको यूज़ करना है, एक उसके बाद उसको बेचने का भी राइट आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ इंजॉय करने का जो राइट है वो ट्रांसफ़र कर दिया कि आप इसको फुली इंजॉय करोगे आपकी जितनी लाइफ है तब तक। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि जब ए मर जाएगा, मान के चलिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जिसने ए ने दी है और वो ही खुद मर गया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगी कि जो बी के पास जो प्रॉपर्टी है ना वो कहाँ पे दी जाएगी, ए को खुद को तो दे नहीं सकता, तो ए के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको वो प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, इनकेस अगर ए की डेथ हो जाती है तो बी वो प्रॉपर्टी सी को दे देगा जो कि ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई पर्सन है, तो उस केस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन आपकी दे रखी है सेक्शन 2 के क्लॉज 11 के अंदर CPC के अंदर, तो वहाँ पे एक बार जाके पढ़ लेना कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना होगा, कोई एंटाइटल होगा उसकी प्रॉपर्टी के साथ डील करने के लिए, तो वो पर्सन आपका बोला जाएगा कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो पर्सन बी है जिसको वो प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए दी गई थी, अब वो प्रॉपर्टी ए के मरने के बाद इसका भी टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, ये भी मर गया और ये पहले ही मर गया था, तो उस केस के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ से थी वो अब ट्रांसफ़र होकर सी के पास चली जाएगी और सी को क्या बोला जाएगा, रिवर्सनर। तो इस केस के अंदर आपका ये फंडा है। तो इसके अंदर आपकी जो एक्नॉलेजमेंट दी गई है ना, मतलब जो पर्सन आपका रिवर्सनर है, अब क्या बात रहती कि मतलब रिवर्सनर की बात कर रहे, रिवर्सनर को वो प्रॉपर्टी दी जाएगी, तो
तो उस केस के अंदर क्या बोलते हैं ये सेक्शन आपका, एन एक्नोलेजमेंट साइन और पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी और बाय द ड्यूली ऑथराइज एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हु इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ. हिंदू लॉ से कोई भी गवर्न होने वाला कोई भी लिमिटेड ओनर है उसकी बात है जो कर रहा है. शैल बी वैलिड एक्नोलेजमेंट और पेमेंट एज द केस में बी अगेंस्ट द रिवर्सनर सक्सीडिंग टू सच लाइबिलिटी. उस लाइबिलिटी को बाद में जो पर्सन आपका रिवर्सनर है वो उसको जब सक्सीड करता है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ए पर्सन को वापस जानी चाहिए थी तो जो ए की लाइबिलिटी है, अब बाई चांस ये थी मान के चल रहे एग्जाम्पल दोबारा कि ए ने प्रॉपर्टी बी को दे दी, अब जब बी मरेगा तो प्रॉपर्टी ए के पास वापस जाएगी. अब ए के पास जब प्रॉपर्टी आएगी तो जो बी की लाइबिलिटीज़ हैं वो भी तो उसके साथ वापस इनके साथ जानी चाहिए ना. अब ये तो नहीं ना कि प्रॉपर्टी की जो लाइबिलिटी बनती है वो तो बी के एयर्स होंगे जो कि लीगल प्रेजेंट है वो भुगते हैं, और प्रॉपर्टी जो वो ए माशे के पास वापस चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए. तो बोलता है कि यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट इनने कर रखी है वो ही यहाँ पे सक्सीड करने वाले पर्सन के ऊपर भी इम्पोज है जो करी जाएगी. ये इसके अंदर बता रहे हैं, मतलब कि जब भी ए मर जाएगा, अब इसके अंदर अगर मान के चलो मैं उल्टा इसके अंदर कि जो ए पर्सन है वो प्रॉपर्टी है जो लेके बैठा है, अब वो मर गया तो मरेगा तो प्रॉपर्टी तो बी के पास वापस जाएगी जब बी ने ए को प्रॉपर्टी दी थी. मतलब इनिशियल में अगर मैं उल्टा करूं कि बी पर्सन ने प्रॉपर्टी ए को दे दी और ए मर गया तो प्रॉपर्टी वापस बी के पास चली जाएगी. और या फिर एक ऐसी सिचुएशन की जो रियल ओनर था बी वो पहले मर गया तो भी प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि बी के एल आर है ना जो उसके पास जानी चाहिए जनरली. अब क्या करेंगे कि पहले प्रॉपर्टी इसके पास ही जाएगी, अब वो क्या करेंगे यहाँ पे वापस कर देंगे या फिर इसके जो एलआर होंगे उनको देंगे. सपोज दैट कि ये प्रॉपर्टी इसके एलआर के पास है जो चली गई है, तो एलआर कौन होगा जिसके पास प्रॉपर्टी जाएगी वो आपका रिवर्सनर पर्सन है जो कहलाएगा. और जो वो प्रॉपर्टी इसके पास गई है तो वो क्या हो रही है यहाँ पे एज ए मतलब कि हिंदू लॉ से गवर्न करी जा रही है. तो जहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट दी गई थी ना रिवर्सनर से तो भी वो जो पर्सन रिवर्सनर है ना वो ही लाइबल रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ आपकी वो लाइबिलिटी जो होगी वो भी उसके साथ ही जाएगी और वो एक्नॉलेजमेंट है वो लाइबल आपकी कर देगी, वैलिड रहेगी. तो लिमिटेड ओनर की दी हुई कोई भी एक्नॉलेजमेंट होगी तो रिवर्सनर पर भी अप्लाई होगी और उस प्रॉपर्टी के लाइबल को जो भी लाइबिलिटी बनती होगी उसको वो सक्सीड है जो कर जाएगा. इतनी सी बात इस सेक्शन के अंदर आपकी दे रखी है. सिंपल फंडा है कि जो भी प्रॉपर्टी रिवर्सनर के पास जाएगी वो रिवर्सनर पर्सन भी आपकी लाइबिलिटी रखेगा जैसे उस मेन पर्सन ने आपने क्या कर रखी थी एक्नॉलेजमेंट दे रखी थी. तो उस केस के अंदर आपकी मतलब जो भी लिमिटेड ओनर था उसने कोई भी लिख के अगर एक्नॉलेजमेंट दे दी है तो उस लिमिटेड ओनर के मर जाने के बाद जो प्रॉपर्टी को सक्सीड करेगा उसके लिए वो लाइबिलिटी भी उसको सक्सीड ही कर जाएगी, वो लाइबिलिटी भी उसी को परफॉर्म है जो करनी पड़ेगी. इतनी सी बात बोल रहे हैं. उसके बाद आपका सेक्शन 21 आ जाता है. सेक्शन 21 आपके सीपीसी के साथ पढ़े जाते हैं. सीपीसी के अंदर आपके प्रोविजन हो सकते हैं जैसे मतलब आपका ऑर्डर नंबर 1 है और रूल नंबर आपका 10 है, जहाँ पे आप क्या करते हो किसी भी पार्टी को मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो या फिर नई पार्टीज को यहाँ पे ऐड करा जाता है उनके रिगार्डिंग है जो बात कर रहे हैं. तो सिंपल फंडा क्या देखना है सेक्शन 21 के अंदर कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जहाँ पे भी कोई ऐसा पर्सन है सब्स्टिट्यूट करना है कि पहले वाले की जगह कोई पर्सन आपका आ गया है, नया मतलब ऐड करना कुछ है कि नया ही पर्सन आपने एकदम से नया पर्सन ऐड ही कर दिया कि पहले आपका केस चल रहा था ए वर्सेस बी का तो अब ए की जगह आप हटा के पूरे कंप्लीटली क्या है सी पर्सन को ले आए, तो उनके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि ये होती है आपकी किसी भी नए प्लेंटिव को सब्स्टिट्यूट कर देना कम्प्लीटली, ए को हटाया और सी आ गया. या फिर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे ऐड करना हो तो मतलब ए एंड सी वर्सेस बी ये आ जाएंगे आपके, ये दोनों आपके ऐड हो गए हैं प्लेंटिफ इस केस के अंदर. तो इनका इफेक्ट क्या होगा मतलब सी के ऐड करने का इफेक्ट क्या रहेगा. अब पर्टिकुलरली आपने मान के चल रहे कि 1 जनवरी को उसने है जो केस फाइल कर दिया, अब 10 जनवरी को आप क्या कर रहे हो उसको ऐड करते हो इस पार्टी को या फिर सब्स्टिट्यूट करते हो सी को, तो उस सी पर्सन के लिए केस फाइल किया हुआ किस दिन से समझा जाए इसके रिगार्डिंग है जो सेक्शन 21 बता रहा है. वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए शूट ए न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडिड, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि बी ने डी को बुला लिया हो तो ए एंड सी वर्सेज बी एंड डी हो सकता है, या फिर ए की जगह सी आया और वर्सेज डी कर देते हैं तो वो सिचुएशन हो सकती है. तो जहाँ पे आपके शूट को इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद एक नया प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट आपका या तो ऐड करा जाता है या फिर सब्स्टिट्यूट करा जाता है. क्या बोल रहा है द शूट शेल
एज रिगार्ड हिम, मतलब जो आपने पर्सन नया ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, जो सी बुलाया था वो, या फिर आपने जो डी बुला रखा है एज ए डिफेंडेंट, उनके रिगार्डिंग, एज रिगार्ड हिम बी डिम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज मेड सो पार्टी। आपने क्या करा था 10 तारीख को उनको पार्टी बनाया, तो उन दोनों के लिए शूट फाइल किया हुआ कब से समझेंगे, उस 10 तारीख को ही समझा जाएगा। इतनी सी बात फर्स्ट क्लॉज बोल रहे हैं, लेकिन प्रोवाइजो बोलता है कि ये बात पूरी करने के लिए आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन टू इंक्लूड ए न्यू पार्टी। अब जो आपका न्यू प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट है उसको ऐड करने के लिए आपने क्या करी है, ओमिशन हो गया, मतलब ऐड नहीं कर पाए थे अर्लियर स्टेज पे, जिस दिन एक तारीख को शूट फाइल हुआ उसी दिन से उनको सी को या फिर डी को पार्टी बनाया जाना जरूरी था, लेकिन वो ओमिट हो गया, मतलब उनको ऐड नहीं करा जा सका। किस वजह से, ड्यू टू ए मिस्टेक, गलती की वजह से, यहाँ पे कुछ गलती ऐसी हो गई थी जिन वजह से इन दोनों को ऐड नहीं कर पाए थे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इन गुड फेथ, गुड फेथ की डेफिनेशन आपकी सेक्शन नंबर 52 के अंदर दे रखी है, आईपीसी में एक बार जाके चेक कर लेना। तो गुड फेथ में कोई पर्सन ऐसा था, गुड फेथ में मतलब कि प्रॉपर केयर वहाँ पे रखी गई थी उसकी तरफ से, एक ड्यू केयर और अटेंशन के अंदर उसने बंदे ने काम करा था, लेकिन फिर भी गलती हो गई है और उस गलती की वजह से उस पार्टीज़ को आपने हिस्सा है जो नहीं बना पाए थे। तो इट का मतलब यहाँ पे है कोर्ट, कोर्ट में डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब एक तरीके से वो डायरेक्शन दे सकती है या फिर छूट दे सकती है, दैट द शूट एज रिगार्ड सच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सच कौन सी बात हो रही है, सच डिफेंडेंट और प्लेंटिफ मतलब कि सी और डी की बात हो रही है, कि जो नई पार्टी ऐड करी गई है उनके लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है, दैट सच दैट द शूट एज रिगार्ड सच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल बी डिम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन एनी अर्लियर डेट, मतलब एक तारीख को भी मान सकता है, एक और 10 के बीच में, 10 तारीख को ये पार्टी बनाए गए थे तो 10 से पहले कभी भी जिस दिन आपका मेन शूट इंस्टीट्यूट हुआ उस दिन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं कि इन सी और डी को भी आपने इस तरीके से इफेक्ट में लेना है, जैसे कि इनके लिए भी जो शूट है वो एक तारीख से ही चलता हो। इसके रिगार्डिंग आपका इसका प्रोवाइजो बोलते हैं। अब इसके अंदर आपका सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज आपकी दो सिचुएशन, तीन सिचुएशन को ऐड करेगा। अब दो तीन कौन कौन सी आएंगी, इनके अंदर वर्ड्स दे रखे हैं आपके, एक तो है आपका वर्ड ये असाइनमेंट, दूसरा आपका इसके अंदर आएगा डिवोल्यूशन की बात करेगा, और तीसरा इसके अंदर आपकी क्या करेगा डिफेंडेंट और इनको आपने क्या करना है पेंडेंसी के दौरान आपने क्या करना है एक्सचेंज कर देना है सिचुएशन को, ए और बी है, अब बी तो बन गया ए और ए बन गया बी की जगह, मतलब जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट बन गया और जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ बना देंगे। इस तरीके की सिचुएशन इसके अंदर है जो दे रखी है। क्या बोलते हैं, नथिंग इन सबसेक्शन वन, सबसेक्शन वन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अप्लाई हो जाए, ए केस वेयर ए पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड ओइंग टू द असाइनमेंट, ये आपका पढ़ने के पॉइंट है, ओइंग टू द असाइनमेंट। असाइनमेंट आपका क्या रहता है कि कोई भी राइट आपका था वो आपने ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे पर्सन के पास, कैसे, जैसे ए पर्सन पहले पार्टी है उस चीज़ का ओनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी पर्सन को या तो गिफ्ट कर दी या फिर उसने उसको सोल्ड कर दिया, कोई भी प्रॉपर्टी उसने उसको बेच दी है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपने क्या कर दिया कि ए ने वो असाइन कर दिया राइट और टाइटल उसे बी पर्सन को। तो अब क्या करेंगे, अगर उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पहले केस चल रहा है और उसके दौरान अगर प्रॉपर्टी उसने बी को बेच दी या फिर पहले बेच चुका था तो ए की जगह बी को बुलाया जाएगा, तो उस केस के अंदर आपका सबसेक्शन वन का जो प्रोविजन है वो अप्लाई है जो नहीं होगा। अब दूसरा, और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट, अब इसके अंदर मान के चलने कि ए पर्सन है और वो उसका ओनर था, अब उसकी डेथ हो रखी है, ये हटा दो, अब यहाँ पे क्या हुई है ए की डेथ हो गई है, तो उसकी जगह जो क्या होगा कि बी पर्सन ने उसके सारे राइट वगैरह जो भी हैं वो डिराइव कर लिए, अब वो जो प्रॉपर्टी थी वो डिवोल्व हो चुकी बी और सी के ऊपर मान लिए, अब बी और सी होंगे तो उनको नया पार्टी बनाई जाएगी क्योंकि ए तो मर गया है, तो उस केस के अंदर भी आपका अप्लाई नहीं होगा सबसेक्शन वन का जो प्रोविजन है वो। अब ये बात हो रही है डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द शूट, शूट ड्यूरिंग मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट होने के बाद की बात हो रही है, शूट इंस्टीट्यूट हुआ उसके बाद उस जो मेन पार्टी थी उसकी डेथ हो गई है, मतलब यहाँ पे मैं अगर मान के चलूँ कि ये यहाँ पे टाइम है, इस दिन शूट इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी डेथ हो गई है, जो भी आपका प्लेंटिफ था उसकी डेथ होगी या फिर डिफेंडेंट की डेथ होगी है, तो उस केस के अंदर क्या करा जाएगा कि डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी के हकदार होंगे, वहाँ पे ए पर्सन था पहले, अब बी एंड सी ने वो प्रॉपर्टी ले ली, तो उस केस के अंदर बात हो रही है कि जब ये पर्सन आएंगे बी और सी तो उनके ऊपर भी आपका फर्स्ट वाले सबसेक्शन का कोई भी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगी उसकी कोई भी बात। और तीसरा इसके अंदर आपकी बात करते हैं, और वेयर ए प्लेंटिफ इज मेड ए डिफेंडेंट, मतलब यहाँ पे जो ए पर्सन है वो यहाँ पे प्लेंटिफ था और बी यहाँ पे डिफेंडेंट था, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, वेयर ए प्लेंटिफ इज मेड ए डिफेंडेंट, ए को तो क्या कर दिया डिफेंडेंट बना दिया,
और जो बी पर्सन है डिफेंडेंट उसको आपने क्या कर दिया, प्लेंटिफ बना दिया। तो मतलब जहाँ पे शूट ए वर्सेस बी था उसकी बजाय अब वो क्या हो गया, वो बी वर्सेस ए हो चुका है। तो उस केस के अंदर भी आपके सबसेक्शन वन का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इसके अंदर आपकी बता रखी तीन चीज़ें मेन। इसके अंदर आपका एक असाइनमेंट था, दूसरा डिवोल्यूशन और तीसरा आपका ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द पार्टीज की बात करता है, मतलब ट्रांसपोजिशन आपकी बात करता है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया। तो ये सिचुएशन है।